मैच का ट्रेंड देख के आपको कैसा लग रहा है, कौन जीत रहा है? यहाँ जो है ना आगे चली हुई है 12-0 से। संभावना क्या है? अच्छा 12-0 से। 12-0 से तो इसका मतलब ना जीत जाएगा ना? बिल्कुल जी। ठीक है, थैंक यू। पर विषय मिल रहा है मिला इसी के साथ शिमला वालों ने खाता खोला। हाँ, शिमला वालों ने खाता खोला जी। मैच चलिए तेरा जी, बढ़िया मैच होगा। मैं आऊंगा भाई, वाइस रह गया जिंदगी भर गई। शिमला के हाथों में बॉल, अब बॉल ऊना के हाथों में। ऊना फिर से अटैक पर, और एक गोल। ऊना की टीम बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया गेम दिखाते हुए फिर से बॉल जो है ऊना के हाथों में। अटैक पे फाउल हो गया शिमला वालों की तरफ से। ऊना को पेनल्टी मिलती हुई, पेनल्टी के लिए, लेकिन शिमला वालों ने गोल बचा लिया। फिर से अटैक पे ऊना, और एक गोल। बॉल फिर से ऊना वालों के हाथ में,
डिफेंस में सिमला द्वारा फिर से फाउल, अच्छा अच्छा बिल्कुल जी। फिर से अटैक पे उना, उना वालों ने फिर से बॉल छीनी और एक गोल। शिमला का डिफेंस अच्छे से काम नहीं कर रहा है। शिमला की तरफ से अटैक करने की कोशिश लेकिन नाकामयाब। बॉल फिर से उना के हाथ में, और उना ने फिर से गोल दाग दिया है। सरका घाट की खूबसूरत वादियां, उना और शिमला के बीच में मैच। शिमला फिर से अटैक पे लेकिन उना का डिफेंस अच्छे से काम करता हुआ मौका नहीं दे रहा है शिमला को गोल करने का। फाउल हो गया और गेंद अब फिर से उना के हाथ में। उना द्वारा गोल करने की कोशिश लेकिन नहीं कर पाए, बॉल ग्राउंड से बाहर। बॉल फिर से शिमला के हाथ में, गोल करने की कोशिश लेकिन नाकामयाब। शिमला के डिफेंस की तरफ से फाउल, गेंद दोबारा से उना को सौंपी गई। उना का अटैक और ये गोल। गेंद के साथ शिमला फिर से अटैक पे लेकिन बॉल उना ने छीन ली है और उना द्वारा अटैक और ये गोल। शिमला का डिफेंस काम नहीं कर पा रहा है। उना टीम वन साइडेड लीड के साथ मैच में आगे बनी हुई है। मैं शांति सागर PET GSS बीतुंगल आपको मैच का लाइव सरकार घाट की खूबसूरत वादियों से सुना रहा हूं। फिर से गेंद उना के हाथों में, और एक गोल। फिर से शिमला बॉल लेते हुए पास करते हुए अटैक करने की कोशिश लेकिन नाकामयाब।
ऊना के गोलकीपर द्वारा लंबी थ्रो लेकिन गेंद ग्राउंड से बाहर। ऊना के खिलाड़ी फिर से बॉल लेके दौड़ते हुए फिर से अटैक पर। इस बार शिमला का डिफेंस काम करता हुआ, गोलकीपर ने गोल बचा लिया लेकिन बॉल दोबारा से ऊना के हाथों में। फिर से अटैक और ए गोल। इस बार शिमला के गोलकीपर गोल नहीं बचा पाए। गेंद एक बार फिर शिमला के हाथों में। अटैक लेकिन ऊना का डिफेंस मजबूत, गोलकीपर बहुत मजबूत है ऊना के। फिर से ऊना अटैक पर और ये गोल। ऊना ने मैच जो है एक तरफा बना दिया है। ऊना फिर से अटैक पे और ये फिर से गोल। शिमला का डिफेंस पूरी तरह से नाकामयाब। टाइम आउट लिया गया है शिमला द्वारा। गेम फिर से शुरू। शिमला का अटैक लेकिन नाकामयाब। बॉल फिर से एक बार ऊना के हाथों में। ऊना की टीम बहुत बढ़िया प्रदर्शन करती हुई और ये फिर से गोल। शिमला का डिफेंस बिल्कुल कमजोर। गोल नहीं बचा पा रहे हैं। एक बार गेंद फिर से शिमला के हाथों में। शिमला ने पास किया था बॉल लेकिन ग्राउंड से बाहर हो गया है। ऊना के गोलकीपर फिर गेंद अपने साथी प्लेयरों को देते हुए अपनी टीम को सौंपते हुए। ऊना एक बार फिर अटैक पर है। ये पास वापस और अटैक और ये गोल। गेंद एक बार फिर शिमला के हाथों में। फिर से शुरू करते हुए ये पास किया लेकिन फिर से गेंद जो है ऊना के हाथों में आ गई है। और फिर दोबारा ऊना ने गोल कर दिया है। शिमला का डिफेंस बहुत ही कमजोर नजर आता हुआ ऊना के आगे। शिमला की गोल करने की कोशिश। अभी भी अटैक पे है शिमला। कोशिश कर रहे हैं गोल किया जाए। ऊना के डिफेंस द्वारा फाउल। फिर से गेंद शिमला के हाथों में। शिमला भरपूर कोशिश करती हुई गोल किया जाए। अटैक शिमला की तरफ से लेकिन नाकामयाब। ऊना के गोलकीपर मुस्तैद। फिर से अटैक लेकिन बॉल कटिंग हो गई। बचा लिया गया, गोल बचा लिया गया। हाँ जी, हमारे मंडी जिला के स्टेट लेवल के रेफरी हैं श्री सुरेश कुमार जी, आप बोलना चाहेंगे कुछ इस मैच के बारे में? हमें बताइए जरा क्या स्थिति है। ऊना और शिमला का मैच चला हुआ है। ऊना जो कि पिछले 5 सालों से विजेता है वो अभी पेनल्टी मिस हो गई
फिर बॉल आई, एक गोल हो गया। फिर से ऊना की टीम अच्छी टीम गिनी जाती है, जिला ऊना की, जिला ऊना की टीम जो है अच्छी टीम मानी जाती है, और कई अच्छे प्लेयर ऊना ने हैंडबॉल में दिए हैं जो नेशनल लेवल पर खेलते हैं। दूसरी तरफ शिमला की टीम भी अच्छी टीम गिनी जाती है, लेकिन कुछ सालों से बिलासपुर की टीम अच्छी आ रही है। लड़कियों में तो बिलासपुर की टीम बहुत स्ट्रांग है, उसमें जिला बिलासपुर के लड़कियां जो कि नेशनल लेवल पर और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत ज़्यादा लड़कियां भाग लेती हैं। हाफ टाइम हो गया है ऊना और शिमला का, ऊना लीड कर रहा है 12-3 से। थैंक यू सुरेश जी, धन्यवाद आपका।